हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो क्लिप। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप खुद बताना सिद्धार्थ या शहनाज कौन ज़्यादा ड्रामेबाज है। देखिए उस टास्क के बाद का है जब शहनाज ना माहिरा को बचाने के लिए मना कर देती है। एक्चुअली सिद्धार्थ टास्क की वजह से कभी शहनाज से नाराज़ थे ही नहीं। वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो ज़्यादा आसिम और विशाल से बात करती हैं, कन्वर्सेशन करती हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ना बाहर बैठे होते हैं तो शहनाज कहती हैं आ जा ना अंदर सो जा। तो सिद्धार्थ कहते हैं एक बेड में सोने का क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच मतलब हम अच्छे से बात करने के टर्म्स में ही नहीं। इस तरह से कहते हैं क्या है ये, आप फ्रेंड्स हैं या क्या है कि जो मतलब एक बेड पे नहीं सोएंगे। अब इतनी सी बात पे सिद्धार्थ लड़के बाहर आ गए कि बेड पे नहीं सोना है। यहाँ पे ना शहनाज कहते हैं ठीक है चल मैं तेरे को सुला देती हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ हाँ जाके उसे आसिम को सुला, विशाल को सुला या फिर पारस को सुला। क्या है भाई, मतलब हर बात में उनका नाम आना है। फिर ना सिद्धार्थ कुल्ट लेके आके बाहर इस तरह से सो जाते हैं। शहनाज आती हैं दोबारा से बुलाने के लिए उन्हें। तो सिद्धार्थ पहले तो एक बार आंख बंद कर लेते हैं, फिर एक बार आँख फिर खोल के कहते हैं क्या है ना यार सोने दे मेरे को, यहाँ अच्छी नींद आ रही। शहनाज कहती हैं सही में? तो सिद्धार्थ कहते हैं यस बेबी डार्लिंग मेरे को अच्छी से नींद आ रही, मेरे को सोने दे। तो उसके बाद ना शहनाज सिद्धार्थ को देखना कितने प्यार से हाय मतलब सिद्धार्थ के फोरहेड पे किस करती हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं थैंक यू स्वीट हार्ट। मतलब इनकी लड़ाई है क्या है ये, किस तरह की लड़ाई है मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, हंसी आती है बल्कि। यहाँ सेम शहनाज ने किया ये वीकेंड के वार के बाद का जब शहनाज का ब्रेकडाउन हो गया था। सिद्धार्थ ने थोड़ी ना कुछ किया था तो सिद्धार्थ से क्यों नाराज़ है। सिद्धार्थ यहाँ मनाने के लिए आए, फिर भी देखिए वहाँ शहनाज की गलती नहीं होती है वो मनाने के लिए आते हैं। सेम यहाँ कि सिद्धार्थ की गलती नहीं है वो मनाने के लिए आए हैं, वो कह रहे हैं बेड पर चल के सो जा। तो शहनाज कहती है नहीं नहीं फिर तू किसी से बात करता है ना तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, सब जेलिस में ले जाते हैं कि मैं जलती हूँ। तो सिद्धार्थ उसको समझाते हैं कि चल चल आके बेड पे सो जा। तो शहनाज कहती है अब तू मेरे से जब ही बात करेगा केवल मेरे से करेगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं छुटा तेरे से ही तो कर रहा हूँ ना, चल चल बेड पे सो जा। तो शहनाज कहती है नहीं मैं नहीं सो रही, जरी वाला को सुला ले। शहनाज का क्या है, शहनाज जरी वाला को बीच में लेके आती थी। तो इनका क्या था कि एक सा था सब बराबर। शहनाज ने एक बार कहा था कि मतलब लड़ाई भी बराबर की होनी चाहिए, तो इन दोनों का जलाना जलना बराबर का था। यहाँ ना शहनाज हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज़ मुझे रहने दे ऐसे ही। तो सिद्धार्थ कहते हैं वाह क्या बात है, थप्पड़ से हाथ जोड़ने पे आ गई वाह। तो ना सिद्धार्थ कहते हैं मान जा ना मान जा। तो शहनाज कहती हैं नहीं नहीं। उसके बाद ना शहनाज ने एकदम ऐसे कह देती हैं कि अगर तू ये सब कैमरे के लिए कर रहा है ना तो कर ले। तो सब तब सिद्धार्थ थोड़ा सा इरीटेट होते हैं और वहाँ से उसे कह के गधी रह ऐसी रह और तब चले जाते हैं। उससे पहले सिद्धार्थ शहनाज को काफ़ी मना रहे होते हैं, उसके बाद भी मनाते हैं। तो आप खुद देखिए इनका क्या था फ्रेंडशिप, मतलब बहुत। आप खुद बताइए किसका ड्रामा ज़्यादा है। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है ना कि लड़के दूसरे बेड पे चले जाते हैं। आप खुद बताइए।